कि अपने यूट्यूब चैनल ग्रो मोर ट्रेडिंग में। तो गाइस आज हम डेली टाइम फ्रेम पे टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में गाइस, जिसका कि प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा बना हुआ है गाइस बाइंग के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड इन्वेस्टमेंट की बाइंग के लिए काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं कंसीडर कर रहा है टू ईयर टॉप को। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से लेकर इसने अपना लो ना टच किया है ना ब्रेक किया है गाइस, और ये काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बनाकर इसने ऊपर की साइड की जर्नी स्टार्ट की है गाइस। और अभी जो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी इसकी बन रही है गाइस, आप यहाँ पे देखेंगे फिर से ये प्राइस एक्शन एन पैटर्न बना रहा है गाइस, और ऐसे करके ऐसे जाने की इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी बन रही है गाइस। और जानते हैं इसके आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, जो कि इस मंथ की एक्सपायरी होनी चाहिए गाइस, उसके क्या टारगेट हो सकते हैं जानेंगे उसके बारे में गाइस, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा गाइस कि काफ़ी अच्छे प्राइस एक्शन के बाद ये मंथ की एक्सपायरी भी काफ़ी नज़दीक है गाइस, और इस मंथ की एक्सपायरी में क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं जानेंगे उसी के बारे में, क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो इसी लेवल तक होगा। फर्स्ट टारगेट जो निकल कर आ रहा है गाइस वो 185 का फर्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है गाइस, 185 रुपये का फर्स्ट टारगेट है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए इसी मंथ की एक्सपायरी के लिए गाइस। और जो कि हमारा सेकंड टारगेट होगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में गाइस, उसके कुछ पैरामीटर हम देख लेते हैं कि कौन से पैरामीटर में, यदि यहाँ से फुल वॉल्यूम में बाइंग आती है आरबीएल बैंक में, यदि कोई बड़ी न्यूज़ आने की पॉसिबिलिटी तो बनी हुई है एज अ चार्ट के अकॉर्डिंग गाइस, जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है उस तरीके से तो काफ़ी अच्छा चार्ट लग रहा है गाइस, और इसमें ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसमें कोई बड़ी न्यूज़ आने की पॉसिबिलिटी बन रही है गाइस। और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा गाइस वो इस लेवल का होगा, जो कि आपको ये स्विंग हाई नज़र आ रहा है गाइस, और काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल भी ये फेस करेगा इस लेवल का। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ लेवल है इसका, जिसमें कि इसने रेजिस्टेंस पहले भी फेस कर चुका है, तो इसका वो ब्रेकआउट देने के बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो तो गाइस हमने आपको बता ही दिया है, और जो सेकंड टारगेट निकल कर आ रहा है वो इस लेवल का होगा 205 रुपये का गाइस, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग के लिए है गाइस। 205 रुपये का टारगेट दिस मंथ की एक्सपायरी में आपको बड़े बड़े टारगेट आरबीएल बैंक के शेयर्स में देखने को मिल सकते हैं गाइस। और जिस भी पर्सन को F&O ट्रेडिंग में रुचि है गाइस, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके हमारे साथ ट्रेडिंग जर्नी आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं गाइस, जिसमें कि हम डेली के 2 टारगेट प्रोवाइड करवाते हैं, और हमारी टारगेट हिट होने की पॉसिबिलिटी 60 से 80% होती है गाइस। और जिस भी पर्सन का अभी तक डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन हुआ है, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकता है, जिसमें कि आपको एनुअल मेंटेनेंस फीस नहीं पे करनी होगी गाइस। और जो हमारा थर्ड टारगेट होगा दिस मंथ की एक्सपायरी का गाइस, वो 220 रुपये का निकल कर आ रहा है गाइस, जो कि इस लेवल का है। 220 रुपये का थर्ड टारगेट होगा हमारा इस मंथ की एक्सपायरी या अगले मंथ की एक्सपायरी में, आपको ये टारगेट देखने को इजीली मिलने की पॉसिबिलिटी है गाइस, जो कि टारगेट आपके सामने है। 221 रुपये का ये टारगेट है गाइस मंथली एक्सपायरी का, और पोजिशनल बेसिस पे भी ये हमारा टारगेट है गाइस। तो गाइस ये थी आज की हमारी F&O ट्रेडिंग के रिलेटिव वीडियो गाइस। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।